नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं ध्वनि द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों आज सर्व पित अमावस्या है। अगर आप अपने पितरों की तिथि नहीं जानते हैं तो आज के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। इस पर देखिए रिपोर्ट। शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार जिस तिथि को किसी के परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, पितृ पक्ष में उसी तिथि में उसके नाम से श्राद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारण वर्ष दिवंगत आत्मा की मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन उनके नाम के श्राद्ध का विधान होता है। 6 अक्टूबर बुधवार को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि है। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। यही वजह है कि पितृपक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। धर्माचार्य रामचंद्र शर्मा ने बताया है कि साल की सर्व पितृ अमावस्या पर गज छाया योग बन रहा है। 6 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सूर्योदय से लेकर शाम 4:34 तक हस्त नक्षत्र में रहेंगे। ये स्थिति गज छाया योग बनाती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक इस योग में श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। जानकारों की माने तो गज छाया योग में किए गए श्राद्ध और दान से पितरों की अगले 12 सालों के लिए शुद्धा शांत हो जाती है। 16 दिनों के श्राद्ध का समापन सर्व पितृ अमावस्या पितृ विसर्जनी अमावस्या के साथ होता है। सर्व पितृ अमावस्या का मतलब होता है सभी पितर लोग जो है ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराने का एकमात्र दिन है सर्व पितृ अमावस्या। जिन परिजनों को जिन व्यक्तियों को अपने जो मृत परिजन हैं उनकी जो है तिथि यदि ज्ञात नहीं हो तो वह सर्व पितृ अमावस्या को उनके निमित्त तर्पण श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। इस वर्ष 21 वर्षों के बाद सर्व पितृ अमावस्या पर गजत छाया योग जो है निर्मित हो रहा है। गजत छाया योग जो है बुधवार सूर्य और चंद्रमा दोनों बुध की राशि में उस दिन रहेंगे। इस दिन जो तर्पण करता है, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, अपने पितरों के निमित्त 1, 3, 5, 7, 11 अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोजन कराता है, गरीबों की सहायता कराता है, गाय को जो है चारा खिलाता है, पंच बलि देता है, अपने पितरों के निमित्त धूप देता है, उसको जो है वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो गजत छाया योग में पितरों का तर्पण करता है उसके पितर 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। तो 12 वर्षों की तृप्ति के लिए 21 वर्षों के बाद जो गजत छाया योग उपस्थित हुआ है उसमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य करें। जानकारों का कहना है कि श्राद्ध के लिए बेहद शुभ माने गए गज छाया योग में पितरों के लिए श्राद्ध करना और घी मिली हुई खीर का दान करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन करवाने का भी विशेष महत्व माना गया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ध्वनि द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी।